हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे इस पोस्चर करेक्शन बेल्ट का। ये प्रोडक्ट बहुत कॉमन है, आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस में देखा होगा, बहुत ज़्यादा आपके पास पिक्चर्स भी आई होंगी कि ये प्रोडक्ट, ये बेल्ट आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं अपने पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये क्या, ये बेल्ट यूज़ करना सही है या गलत है, या इसे कितना यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, और साथ साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं ये प्रोडक्ट क्या करता है और किस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो लोगों का पोस्चर होता है फॉरवर्ड शोल्डर और काइफोटिक पोस्चर, आपने देखा होगा हमारा जो, तो काइफोटिक ये थोरेसिक स्पाइन का जो कर्व है वो बहुत ज़्यादा लोग ड्रूप करके रहते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन, लैपटॉप और हमारा जो काम होता है वो टेबल पे होता है, तो सारे इस तरह झुक के काम करते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, अपने एक सबकॉन्शियस माइंड में एक हमें बताने के लिए कि हमें इस तरह से अपने शोल्डर्स को रखना है, उसके लिए प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल है। तो आपका जो क्वेश्चन है इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यस इसको यूज़ करना चाहिए, पर इसका रेगुलर यूज़ जैसे करना है आपने जब भी इसको लगाते हैं, तो साथ साथ अपने एक्टिव मसल भी एक्टिवेट करने हैं, जैसे हमारे जो पेक्टोरल मसल्स हैं वो फॉरवर्ड आने की वजह से टाइट होने शुरू हो जाते हैं और बैक मसल्स स्ट्रेच रहते हैं। तो अपने एक्टिव मसल्स यानी कि हमें ये शोल्डर, अपने स्कैपुलर रिट्रैक्शन और शोल्डर रिट्रैक्शन ये हमें करना चाहिए इसको लगाए लगाए भी। तो वही होता है कि जब हम इसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हम इस पर डिपेंड होना शुरू कर देते हैं और अपनी बॉडी को फिर से ढीला छोड़ना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है और आपको ढीला नहीं रखने देता, पर कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारे मसल इस पर डिपेंड होना शुरू होते हैं। तो इसकी यूजेज बहुत अच्छी है, पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं लेनी हमने। उसका आपको मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ, जैसे ही इसको यूज़ कर रहे हैं तो साथ साथ बीच में वॉक करते करते अपने शोल्डर को पीछे से साथ साथ करते जाइए। और ये इतना अच्छा डिवाइस है कि इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक पैड दिया गया है तो जो कि आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, और फ्लेक्सिबल नहीं हो, थोड़ा सा रिजिड भी होता है, सेमी रिजिड होता है, और ये आपको क्या कहते हैं, कुशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये काम कैसे करता है, कैसे हमारे पोस्चर को करेक्ट करता है। तो इसका जो फोर्स सिस्टम है वो बड़ा ही अच्छे से लॉजिकली बनाया गया है। यह हमारे थोरेसिक कर्व पे एक पैड दिया गया है जो कि फोर्स हमारे पुश करती है फॉरवर्ड, और ये जो शोल्डर वाली फोर्स हो, जो शोल्डर आगे होते हैं उसको, ये जो हमारे शोल्डर के जो दो स्ट्रैप हैं उसको ये पुल करते हैं बैकवर्ड्स। तो क्या कर रहे हैं, दो फोर्स जो सिस्टम आ रहा है वो हमारा आगे से पीछे की ओर, यानी कि शोल्डर को पीछे की ओर रख रहा है, और जो बीच वाली हमारे जो थोरेसिक का स्पाइन का जो कर्व है उसको वो फॉरवर्ड में, यानी कि पीछे से आगे को पुश कर रहा है। तो इस तरह से ये जो दो सिस्टम बनाए गए हैं फोर्स के, ये हमें हेल्प करते हैं सीधा रहने में। और ये जो सामने स्ट्रैप दिया गया है ये भी बड़ा फ्लेक्सिबल है और आपको यहाँ पे चुभेगा भी नहीं। तो ये बहुत अच्छे से बनाया गया है इसको, डिवाइस को। पर आपको इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें बड़ा डिसकम्फर्ट लग रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई आपकी गलत चीज़ आपकी कम्फर्ट जोन से आपको बाहर निकाला जाएगा, ख़राब पोस्चर से सही किया जाएगा, तो थोड़ा सा तो आपको इसको मुश्किल आएगी उसको अचीव करने में, उसको अटेन करने में। पर ये चीज़ आपको 3-4 दिन मुश्किल करेगा, बाद में आपको हैबिट बनाना पड़ेगा इसको, और हैबिट बन भी जाएगा क्योंकि आप ऑटोमेटिकली सीधा रहना शुरू कर देंगे। अब एक और मुश्किल आती है कि जो ऑलरेडी हमने, जैसे आगे को किसी ने हैंड वॉश करने जाना है या कोई चीज़ उठाने जाना है, तो ये थोड़ी सी हमारी जो मोबिलिटी उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। तो जो नॉर्मल हमारे काम होते हैं आगे वाले करने वाले, जैसे किसी ने अपने टेबल पे कोई काम करना है और किसी ने आगे को जाना है और या कोई बुक उठाने के लिए जाना है, तो जब भी हम दोनों शोल्डर आगे को लेके जाएंगे तो ये हमें रोकता है। तो इसलिए कुछ हमारे जो काम होते हैं उसको, ये उस टाइम हम इसको उतार के भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पर जब आपने सिटिंग करनी है, लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर लगा के रखिए। ये आपको करेक्ट भी करेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल भी देगा कि हमें इसको सीधा रखना है, क्योंकि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा पोस्चर ख़राब होता है, उनके लिए तो बहुत यूज़फुल है। तो चलिए अब देखते हैं इसको पहनना कैसे चाहिए। ये हमारा बैक वाला एरिया आ गया। अब ये जो दो शोल्डर के स्ट्रैप होते हैं इसको हमने इस तरह से पीछे से अटैच कर लेना है, रफ़ सरफेस के साथ हमारा जो वेलक्रो वाला एरिया उसको अटैच कर देना है इस तरह से, दोनों अटैच करके, क्योंकि हमें इसके लिए दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है कई बार, अगर खुद से डालना है तो इस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए इसको। तो ये हमने तैयार कर लिया हमारा शोल्डर वाला एरिया। तो इसको हमने पहनने के लिए शोल्डर की मोबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इस तरह ऊपर से हाथ रख के हमें इसे पहनना पड़ता है, और कई बार हमें नीचे से भी लेना पड़ता है इसको। तो ये आ गया हमारा शोल्डर वाला एरिया। अब इस तरह से अटैच करके हमने
शोल्डर वाला फिक्स कर लिया। अब उसके बाद ये जो पीछे से दो स्ट्रैप आ रहे हैं इनको हमने इस तरह से यूज़ कर लेना है अपने चेस्ट के बेस पे, जितना टाइट होगा। इसके अलग अलग साइजेस आते हैं, तो उसमें मेंशन होता है कि 42, 46 वाली चेस्ट वाले ए वाला और शोल्डर विड्थ पार्टी वाले ए वाला साइज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग साइज़ आते हैं, तो इसको इस तरह से पहना जाता है। फिर से देख लीजिए, उतारने के टाइम भी आप देख लीजिए, सबसे पहले हमने इसको ओपन करना है और उसके बाद इसको नीचे की ओर ले जाना है, तो ये इजीली हम इसको उतार सकते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हमें इसको खुद से पहनना और उतारना मुश्किल होता है, पर किसी की हेल्प लेके वो इजीली हम पहन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इन द शॉर्ट मैं आपको फिर से लास्ट में वीडियो में बता रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को ख़राब पॉस्चर वाले या स्टूडेंट्स जो हैं या ऑफिस गोइंग हैं या कोई भी जिसका पॉस्चर उसको लगता है कि फॉरवर्ड है और उसका थोरेसिक कर्व बढ़ता जा रहा है, वो इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करें। ये आपको हेल्प भी करेगा और आपके माइंड में भी आपको स्ट्राइक करवाएगा बार बार कि हमें कब सीधा उसको सीधा रखना है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात है कि हर थोड़ी देर बाद आपने खुद अपने एक्टिव मसल स्ट्रेंथन करने हैं, उसको शोल्डर्स को बार बार पीछे ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि हम इसकी डिपेंडेंसी नहीं चाहते, हम अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं। ये टाइम ज़रूर लेगा आपको करेक्ट करने में, पर आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। ऐसे मेरा अपर बैक पेन को कम करने का और उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने का एक वीडियो है, उसको आप जाके ज़रूर देख लीजिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज के साथ साथ हमें करनी चाहिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप उसके साथ इसके पहनने के साथ साथ वो एक्सरसाइज साथ में करते रहेंगे तो आपके रिजल्ट्स जल्दी अचीव हो सकेंगे। तो इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, इसको यूज़ कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि यह प्रोडक्ट आपको कैसा लगा और आपको क्या क्या मुश्किल आ रही है, वो हम आपको बता देंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप नीचे लिखे नंबर पर जाके आप हमसे फ़ोन कंसल्टेशन कर सकते हैं, इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज पर जाके, और साथ ही साथ आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है जिससे आपकी मेरी 1-to-1 बात होगी, उसमें मैं आपको सारा आपको गाइडेंस दूंगा। अगर नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन किसी भी रिलेटेड आपके पास कोई MRI रिपोर्ट या एक्सरे रिपोर्ट है वो भेज के आप मुझसे फ़ोन पर गाइडेंस ले सकते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि इसका करेक्ट यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि आया तो बहुत हुआ है मार्केट में पर इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है, क्यों लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, उसके लिए ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लग सके। और ऐसे ही हेल्दी वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।